Hello everybody myself Deeksha Sharma student of RKG educational college BA 3rd semester So students today we will discuss about the topic principles of management in detail meaning of principles of management principle a principle is a fundamental statement of truth जमेंट सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है अगैन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज फर्दर मेड अपिपल्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है ये एक फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ है जो भी किसी भी थॉट या एक्शन को करने में गाइडेंस प्रोवाइड करता है सो अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट प्रोवाइड गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेटमेंट में भी डिफाइंड एज ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस फॉर मैनेजीरियरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर आप अपने एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी मैनेजीरियरियल डिसीजंस लेते हैं उनके लिए जो भी ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस डेवलप की जाती हैं वो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहलाई जाती हैं जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर होते हैं उनका मतलब क्या होता है दे गाइड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट वो जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है उनको कैसे करना है कैसे गाइड करना है इस पर एम्फसाइज करते हैं नेचर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की क्या क्या नेचर है उसके क्या फीचर्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फर्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब होता है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है सारे ऑर्गेनाइजेशन में सारे एंटरप्राइज में इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए गए हैं जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस जितने भी ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस दी गई हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में वो हर ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज फॉलोअप करता है जनरल गाइडलाइंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल का जो बेसिक फीचर होता है वो होता है उसकी जर्नल गाइडलाइंस क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज जो होगा वो आपके बेसिक जो जर्नल गाइडलाइंस इशू की गई हैं उन्हीं को फॉलोअप करेगा एवोल्यूशनरी या फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस ऑन एक्सपेरिमेंट या तो चीज़ों का एवोल्यूशन होगा मीन्स उनकी नीड आपको लगी होगी अपने ऑर्गेनाइजेशन में या एंटरप्राइज तो आपने या तो उसको एवोल्यूशन किया होगा उसको ज, उसका उसका इन्वेंशन किया होगा और या फिर वो किसी प्रैक्टिस या इनोवेश सॉरी प्रैक्टिस या एक्सपेरिमेंट के करने से आपको आई होगी कि आपने कोई प्रैक्टिस की होगी या आपने कोई एक्सपेरिमेंट की चलो इस बार ऐसे नहीं इस प्रोसेस को हम ऐसे करके देखते हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ ये चीज ज्यादा फेवरेबल है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट इज फ्लैक्सीबिलिटी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत ही फ्लैक्सीबल है नेचर में बिहेवरल इन नेचर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बिहेवियल इन नेचर नेक्स्ट बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस कर रहे होते हैं कंटेंजेंट होता है जिनकी आपकी फिजिकल आ, जो फिज ये रियल लाइबिलिटीज ना होकर एक फिजिकल असिस्टेंस सिर्फ देती हैं सो दीज आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन जनरल गाइडलाइंस एवोल्यूशनरी और फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स फ्लेक्सीबिलिटी बिहेवियरल इन नेचर Based on cause and effect relationship, and the last one is contingent. Contingent means these are not real in nature. Now, so there were a uh, famous economist known as Henry Fayol. So the fourteen management principles are given by Henry Fayol. The 14 management principles by Henry Fayol are universally accepted guideline for managers to do their job according to their responsibility. एक हैंड्री सर हैंड्री फेयोल थे जो कि एक बहुत ही famous economist थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने चौदह management principles दिए थे किसके लिए? मैनेजर्स के लिए एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स के लिए नहीं उन्होंने मैनेजर्स के लिए फोर्टीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स निकाले थे और वो जो गाइड वो गाइडलाइंस के फॉर्म में थे जो कि मैनेजर्स को अपनी जॉब कैसे करनी है अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको डिसाइड करने में हेल्प करता था मैनेजर्स को कि हर चीज़ को वो कैसे डील करेंगे फर्स्ट वन इज़ डिवीजन ऑफ वर्क अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो हर जगह आके सारी एक्टिविटीज़ को देखते नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्राइज में आपकी सारी एक्टिविटीज़ है ना प्रॉपर फॉर्म चल रहा है कि नहीं चल रहा जो ये काम करता है वो कौन करता है मैनेजर करता है सो फर्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ वर्क सो मैनेजर्स का पहला जो वर्क था वो क्या है कि वर्क को प्रॉपरली ग्रुप ऑफ पीपल में डिवाइड कर देना जो पर्सन जिस काम में स्पेशलाइज है उसको उस ग्रुप में करके उनको उनके काम डिवाइड कर देना जैसे फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट्स में देखते होंगे कि किचन डिपार्टमेंट के पीपल अलग हैं क्लीनिंग डिशेस के डिपार्टमेंट अलग है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का बंदा अलग है किचन सुपरवाइजर अलग है और बेकरी डिपार्टमेंट अलग है सो so, हमने क्या किया यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल जो जिस भी फील्ड में स्पेशलाइज था जो बेकरी में स्पेशलाइज था उसे हमने बेकरी डिपार्टमेंट में कर दिया जो किचन के मामले में था उसे हमने किचन डिपार्टमेंट में डाल दिया जो क्लीनिंग डिशेस में था उसको क्लीनिंग डिशेस में डाल दिया सो so, ये हमने क्या किया एक प्रॉपर फॉर्म में वर्क को डिवाइड कर दिया सारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज के बीच में नेक्स्ट इज बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स को हमेशा याद रखना चाहिए कि अथॉरिटी के साथ साथ उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी भी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन सारे काम के लिए जो कि वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ करते हैं क्योंकि मैनेजर्स ही वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को काम बताते हैं डिवाइड करते हैं और उनको लीड करते हैं कि उनको वो काम किस वे में करना है और कितने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करना है सो अथॉरिटी ऑर्डर देने के साथ साथ मैनेजर्स के शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो टाइम टू टाइम चेक करता रहे कि जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज हैं वो अपने गिवेन टाइम पीरियड में काम को प्रॉपर वे में कर रहे हैं या नहीं नेक्स्ट इज डिसिप्लिन डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा मैनेजर डिसिप्लिन बना के नहीं रखेगा तो कोई भी काम अपने सिस्टमैटिक वे में नहीं होगा हर चीज़ है मैनर में पूरे टाइम होती रहेगी नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि एक ही सुपरवाइजर हो जो कि सारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दे उनके उनके काम को करने के लिए जैसे कि हर डिपार्टमेंट का आपने अपना एक अलग सुपरवाइजर रख दिया अब वो जो सुपरवाइजर है वो उनके सारे इश्यूज से भी डील करेगा उनको लीड भी करेगा कि उनको वो काम कैसे करना है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अब मैनेजर का मेन रोल होता है अपने एम्प्लॉयज को अपने वर्कर्स को डायरेक्ट करना कि वो सारे काम को प्रॉपर वे में कैसे करेंगे सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू दी जनरल इंटरेस्ट अब लोगों के बीच से हम उनके दिमाग से हमको ये हटा देना है कि सिर्फ किसी एक कोई एक अपना पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं देखेगा हमने अगर काम को ग्रुप ऑफ पीपल में डिवाइड किया है तो हर बंदे की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ग्रुप के जितने भी पीपल्स हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करें सिर्फ अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचे नेक्स्ट रेमुनरेशन वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेमुनरेशन जो भी आपको सैलरी मिलती है या आप जो भी वर्क करके लोगों को देते हैं उसके रिटर्न में आपको जो भी पे ऑफ मिलता है उसको हम रेमुनरेशन कहते हैं तो जो आपकी वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ हैं वो कभी भी डिससेटिस्फाइड ना हो अपने टाइम एंड वर्क को दे के कि उनको कहीं से भी ये ना लगे कि हमने इतना काम भी किया हमने अपना इतना टाइम भी दिया लेकिन जो हमें एक सैटिस्फाइड रेमोनरेशन या पे ऑफ नहीं किया गया इससे क्या होगा नेक्स्ट टाइम से अगर उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी तो नेक्स्ट टाइम से वो विद इन द गिवन टाइम पीरियड आपका काम करके नहीं देंगे नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन जो आपका वर्क है वो फुल्ली सेंट्रलाइज फॉर्म में होना चाहिए कोई भी चीज़ अपने पैटर्न से अलग हट के नहीं होनी चाहिए स्कीलर चेन स्कैलर चेन ये होता है कि आपको एक प्रॉपर फॉर्म में चीज़ों को करना है हर एम्प्लॉय को हर वर्कर को अपनी जो लेवल है मैनेजमेंट में जो भी उसका स्तर है वो उसको प्रॉपर पता होना चाहिए कि वो किस लेवल ऑफ हरारकी पे स्टैंड करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं कि जो क्लरिकल है उससे आप डिपार्टमेंट मैनेजर का काम सौंप दे रहे हैं और जो डिपार्टमेंट मैनेजर है उसे आप टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम सौंप दे रहे हैं नहीं हर बन हर एम्प्लॉय को हर वर्कर को अपनी लेवल ऑफ हैरार की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पता होनी चाहिए ऑर्डर एक प्रॉपर वे ऑफ ऑर्डर मैनेजर जो देता है उसको फॉलो अप करना चाहिए ये भी वर्कर और एम्प्लॉयज को काम है तो लेकिन उनसे वो काम एक आपने ऑर्डर तो दे दिया लेकिन उनसे वो काम कैसे कराना है इसके लिए आपको उन पर अपनी ये आय भी रखनी चाहिए टू कीप एन आय एंड जस्ट टू वेट एंड वॉच दैट ऑल द ऑल द एक्टिविटीज शुड बी परफॉर्म विद इन द टाइम पीरियड और नॉट इक्विटी इक्विटी मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज़ का होना चाहिए वो फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्यों ना हो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यर ऑफ परसोनल जो भी परसोनल है उसमें एक प्रॉपर जो भी आपका टेन्यर है उसमें एक प्रॉपर स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है इनिशिएटिव मैनेजर्स आगे से आगे मैनेजर्स को चाहिए वो इनिशिएट करते रहें कि चीज़ों को ऐसे क्योंकि अगर मैनेजर ही स्टेप बैक कर जाएगा तो वर्कर्स और एम्प्लॉयज उससे डबल स्टेप बैक कर जाएंगे कि जब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इनका काम प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रहा तो हम क्यों इस काम में लगे रहें एंड द लास्ट वन इज़ एसफर डी कॉप्स मीन्स सबको अपनी अपनी आ, लेवल के अनुसार एक यूनिटी और एक म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए ताकि वो अच्छे से अपने काम को मैनेज कर सके लोगों के बीच में मींस जो भी अपने डिपार्टमेंट के जो भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके बीच में किसी भी तरीके डिस्प्यूट्स को अरोज नहीं होना चाहिए तो इस पर आए डी क्रॉप्स का मतलब होता है यूनिटी एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयज now there is again a second economist famous who is known as the frederick winslow teller frederick winslow teller is known as the father of scientific management which also came to be known as taylorism taylor believed that it was the role and responsibility of manufacturing plant managers टू डि देश वे फॉर द वर्कर टू डू अब एंड टू प्रोवाइड द प्रॉपर टूल्स एंड ट्रेनिंग अब फेडरिक विर जो थे इनको हमने फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जो कि टेलरिज्म के नाम से भी जाने गए उनका ये भी मानना था कि जो भी प्लांट मैनेजर्स को रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लांट मैनेजर्स को मैनुफैक्चर करने के लिए वो इसलिए मेन मैनुफैक्चर करने के लिए मेन मानी गई है ताकि वो अपनी जॉब को जो भी वर्कर और एम्प्लॉयज़ हैं उनसे जो जॉब है उसको कितने प्रॉपर वे में करा सकते कितने बेस्ट वे में करा सकते हैं और और उनको प्रॉपर टूल्स एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए उस जॉब को करने के लिए सो जो हेनरिक फेल थे हेनरिक फ़ेल ने क्या किया था उन्होंने फोर्टीन बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे जिनका मेन मोटिव क्या था कि वो मैनेजमेंट को जिनका मेन मोटिव था कि वो मैनेज manage, मैनेजर को आ, गाइडलाइंस दे रहे थे कि वो अपनी जॉब को कैसे करेंगे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को फॉलो अप करके लेकिन फेडरिक विंसले टेलर ने कहा कि जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लांट uh, मैनेजर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि वर्कर्स अपने जॉब को बेस्ट वे में कैसे करेंगे और प्रॉपर टूल्स एंड ट्रेनिंग को हम कैसे प्रोवाइड करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ जमेंट बाई एफ डब्ल्यूलर दैट इज टेलर आर अब टेलर ने फाइव बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे जो कि ए फर्स्ट वन इज साइंस नॉट द रूल ऑफ थम सॉरी साइंस नॉट द रूल ऑफ थम रूल ऑफ थम का मतलब होता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को फॉलो अप करना तो टेलर ने कहा था कि अब आप, आप अपने आज के ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्राइज में रूल ऑफ थम को फॉलोअप नहीं कर सकते वो सब पुराने ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज में फॉलोअप हो गया इजीली तो हो गया लेकिन आज के टाइम में आपको आ, आपको नए ऑर्गेनाइजेशंस में नई टेक्नोलॉजी नीड होते हैं नए मेथड्स ऑफ इनोवेंशनस और एक्सपेरिमेंट्स यूज किए जाते हैं so, सो इसलिए अब हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डायनमिक बनाना है डायनमिक नेचर का बनाना है उसमें और मोर Uh, ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करना है ना कि जो पुराने ट्रेडिशनल घिसे पिटे कहते हैं ना कि घिसे पिटे जो का रूल्स uh, चले आ रहे थे उनको फॉलो ना करके साइंटिफिक मैथड्स का यूज करना है अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट कराने में हार नॉट डिस्कॉर्ड हार का मीन्स वर्कर्स और एम्प्लॉयज के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करना ताकि उनके बीच में कोई भी ग्रीवियां या डिस्प्यूट्स अरोज ना हो क्योंकि उनको एक ही डिपार्टमेंट में रह कर काम करना है और अगर उन दो उन लोगों के बीच में मतभेद हो जाएगा तो उसकी वजह उसका जो आ, असर होगा वो आपकी कहीं ना कहीं एक्टिविटी को या आपका जो वर्क है उसको कंप्लीट करने में नज़र आएगा हालांकि आपके मैनेजर का वर्क यही होता है कि अगर कभी आ, किसी एम्प्लॉय या वर्कर के बीच में कोई डिस्प्यूट अरोज हो जाए कोई आर्ग्यू इश्यूज हो जाते हैं तो वो उसको सॉल्व करता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम यही मान के चलते हैं कि वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को अपने बीच में हार्मनी बना के रखना चाहिए म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के साथ ही ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज में काम करना चाहिए मेंटल रेवोल्यूशन मेंटली आपको रेवोल्यूट होना चाहिए ये नहीं कि आपको एक चीज़ को बता दिया गया कि इस चीज़ को इस इस फॉर्म में नहीं इस पैटर्न पे करना तो आप उसी फॉर्म में करें ऐसा नहीं आप उसमें अपने भी नए नए इनोवेशंस लगा सकते मे भी हो सकते कि आप उन इनोवेशंस को लगाओ तो वो चीज़ और बेटर वे में रिजल्ट करे सो इसलिए मेंटल रेवोल्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो बात हेनरिक फ्यल ने कही थी कि सबऑर्डिनेट टू द जनरल इंटरेस्ट नॉट टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट वही बात इन्होंने भी यहाँ कही कि कोऑपरेट करके लोगों को काम करना चाहिए उन्हें सिर्फ अपना इंडिविजुअलिज्म इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए ये नहीं कि ग्रुप ऑफ वर्कर्स है काम कर रहे लेकिन कोई एक बंदा या कोई एक वर्कर ये सोचे कि लॉ फटाफट मैं अपने हिस्से का ये काम कर लूँ ताकि मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाए और दूसरे वाले के दूसरे वाले को बुरा कहा जाए ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्राइज नहीं अगर आप एक डिपार्टमेंट रह के एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हर इंसान की हर वर्कर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हर इंडिविजुअल के बारे में सोच के काम करे आप सिर्फ अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में नहीं जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोच के काम करे एंड द लास्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ़ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशियसी हमको अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को डे बाई डे उनको आ, मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि वो और इन्हांस करें और डेवलप करें अपनी एफिशियंसीज को क्योंकि जितना ही ज़्यादा वो एफिशियट हो जाएंगे काम को करने में उतना ही हमें ईजी होगा उन्हें और टास्क देने में और चीज़ों को और एक्टिविटीज़ को Pura okay. So, these are the basic five principles of management by F. W. Taylor that is Frederick Winsick Taylor and this theory is also known as Taylorism. So, the first one is science not the rule of thumb and harmony not discord, mental revolution, cooperation not individualism and the last one is Development of every person to his greatest efficiency. So, with this, here I am winding up with my class. Thank you, students.